सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मिनाली एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे हमेशा कोल्ड हो ही जाता है या तो उसके साथ साथ फीवर जरूर होता है। अभी भी मुझे हल्का फुल्का कोल्ड है, बट ऐसी छोटी मोटी बीमारियों के लिए हम वीडियो बनाना तो नहीं छोड़ सकते ना। इसीलिए नहीं बना रही थी मैं वीडियो, क्योंकि मैं पिछले काफी दिनों से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी ढंग से। नेक्स्ट वीक शायद हमारी एक ट्रिप प्लान हो रही है, मैं और मम्मी कहीं घूमने जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे एक दो ट्रिप्स प्लान है। तो इसीलिए आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, मैं और मम्मी। मैंने सोचा कि अब बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो उस चीज़ का तो व्लॉग बनाना ही है। तो आज हम अभी शॉपिंग पे चलते हैं मम्मी के साथ, फिर उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और मैंने ये छोटा टॉप पहन रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ठंड नहीं हो रही, ठंड हो रही है। मैं इसके साथ जैकेट पहनने वाली हूँ, तो अभी ये जैकेट पहनते हैं और उसके बाद चलते हैं। ये रहा मेरा फुल आउटफिट, शूज, ये लंबी सी पैंट जो आजकल बहुत फैशन में है। इतनी ठंड है तो इसको जैकेट को बंद करके जिप, ये रहा मेरा छोटू सा बैग जिसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। लोगों को लगता होगा इसमें कुछ नहीं आता, बट इसमें बहुत सामान आ जाता है। मम्मी को मैंने रेडी करके लिटा रखा है इतनी देर से, मैं रेडी हो रही थी खाना खा के। मैं बहुत टाइम लगाती हूँ ना मम्मी, बहुत टाइम लगाती है लड़की कहीं जाना। हाँ, तो मेरे को तैयार होने में टाइम लगता है, मुझे आउटफिट डिसाइड करने में टाइम लगता है, फिर मैं वही बच्चों वाले कपड़े पहन लेती हूँ। ऐसे वो नहीं लग रहे, टिंग टिंग टिंग, वही लग रही हूँ ना, कौन है जिसने मुड़ के पू को नहीं देखा, वही लग रही हूँ अभी। चलो लेट्स गो। दिन में भी लाइट जला रखी है। और ये मैंने अपने ठंड के कपड़े निकाल लिए हैं, कल ही धुलवा लिए थे वैसे तो, अब ठंड आ गई है भाई क्या करें, कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं वरना ऐसे ही कोल्ड होता रहेगा। और ऐसे हम कोल्ड होना बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें काम है, नेक्स्ट वीक हमें एक ट्रिप पे जाना है, तो वो आगे आपको पता चल जाएगा। बट अभी उसकी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो मैं आपको प्रोसेस दिखा देती हूँ कि हम शॉपिंग करेंगे और फिर ट्रिप पे जाएंगे। सब्सक्राइब कर दो ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो। नहीं, मुझे उस टाइप का, मेरे पास पैसे नहीं थे सिंपल, तो आज मिल जाएगी उस टाइप, पैसे लाई हूँ आज मैं साथ। सो गाइस, हम आ गए रिलायंस मॉल और अब मुझे कुछ टी शर्ट्स खरीदने हैं, जो हम जहाँ जा रहे हैं उसके मौसम के अकॉर्डिंग टी शर्ट्स पहनने में ज्यादा सही रहेगा। तो अब हम मॉल के अंदर जा रहे हैं। रुक जाओ मम्मी, मम्मी तो बिल्कुल वेट नहीं करती। मुझे हैमलेस से कुछ दिलाओगे क्या आप? इस बच्चे आते तो उन्हें हैमलेस से कुछ ना कुछ खरीदना होता है ना। तो ये बच्ची नहीं है, बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? हम बच्ची हो। ये रहा हैमलेस। मम्मी के साथ आने का यही फायदा होता है कि अरे इधर से आ जाओ। क्या फायदा होता है मम्मी के साथ आने का? मम्मी के साथ आने का ये फायदा होता है कि आपके पास पैसे ज्यादा होते हैं। अकेले आओ तो आप लिमिटेड पैसों के साथ आते हो, और मम्मी के साथ आएंगे तो पैसे ज्यादा होते हैं, तो यू नो कपड़े ज्यादा खरीदने के ऑप्शन होते हैं। एक चीज एक्स्ट्रा पसंद आ गई तो वो भी आप ले सकते हैं। रिलायंस का मॉल है, सो सारे रिलायंस का वो है सामान, स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रेश। लाइट्स भी लगी है, ग्राफ तो अच्छा है। इस वाले मॉल में आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो? ये तो गलत बात हो गई। ये रहा रिलायंस, ट्रेंड्स में ही चलना है, टी शर्ट यहीं पे मिलती है अच्छी। तीन चीज़ें अभी चूज़ करी है, अभी ट्राई करके आती हूँ। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें लगा दी यहाँ पे, और विंटर कलेक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
मम्मी कुर्ती वाले सेक्शन में जा रही है और मुझे पक्का पता ही नहीं कुछ पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि यही सब सेम चीज़ें मार्केट में नॉर्मली मिल जाती हैं रीजनेबल रेट्स पे, और यहाँ पे थोड़े रेट्स हाई रहते हैं क्योंकि इन्होंने मॉल में लगा रखा है, एसी चला रखा है, इसीलिए इनको अपना खर्चा निकालना होता है। कुछ पसंद आ जाए तो बता देना, ठीक है? तब तक मैं ट्राई करके आ रही हूँ, ठीक है मम्मी? आपको आवाज आ रही होगी या नहीं पता नहीं, बट फटाफट से अपना फर्स्ट टी शर्ट पहन के देखते हैं। गाइस मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जो ठंड चल रही है उसके हिसाब से ये स्टफ और ये इतना पतला कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, और ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, और इस पैंट पे भी काफ़ी सही लग रहा है। ये ठंड में तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा नहीं लग रहा कि इस ब्लैक पे ये प्रिंट कुछ और होता है तो ज़्यादा सही लगता है, ये मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, और ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे ब्लैक कपड़े हैं और मैंने हुडीज़ भी ब्लैक ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी। ये नहीं लेंगे हम, वो लेंगे, पर अभी मैंने एक और पैंट ली है तो मैं इसके ऊपर ही वो पैंट पहन के देखती हूँ। ये पैंट भी काफ़ी सही लग रही है, पॉकेट सबसे बड़ी बात है इसमें पॉकेट है। अब ये मुझे हुडी भी सही लग रही है, तो पूरा सेट बन गया। चलो हमने ले लिया सामान, अब हम जा रहे हैं नॉर्मल मार्केट में सामान खरीदने के लिए, लोकल मार्केट। कुछ खिलाओगे मम्मी? हाँ क्यों नहीं, भूख लगी है। यही बाहर ही है बर्गर वाला, वो प्लांट नहीं ट्री है पूरा। मम्मी और प्लांट्स का क्या ऑब्सेशन होता है, मम्मियों को प्लांट्स इतने ज्यादा पसंद है, इतनी दूर से वो गुड़ल के फूल दिख रहा था, वहाँ फोटो खिंचवानी है मम्मी को। लिपस्टिक लगा रही है अभी। शॉपिंग कर लिया, आप सिर्फ प्लांट्स के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लिपस्टिक लगा रहे हो? वाओ, फोन को बंद कर, ऐसी चीजें नहीं दिखाते। ऐसी तो दिखाते ही, तो नेचुरल है। अभी क्लिक करते हैं मम्मी की फोटोज यहाँ पे। डस्टबिन से थोड़ा दूर हो जाना, बस डस्टबिन नहीं लूंगी मैं, तो उधर से भी है। हाँ उधर से लूंगी। चलो, ये लग रहा है जैसे आप पेड़ का हिस्सा हो। मम्मी वीडियो बना रही है ना, बड़ा अजीब सा लगता है मम्मी। ऑकवर्ड हो जाते हैं वो जब मम्मी वीडियो बनाती है ना, तो ऐसा लगता है मम्मी को टास्क दे दिया एक। मम्मी कितने सुंदर लग रहे हो पता है यहाँ से, बहुत है ना। हाँ, और फूल लगाने के बाद तो और भी ज्यादा। सो गाइस अब हम वेगस आ गए। पहले रिलायंस गए थे, अब हम वेगस आ गए हैं। मेरे को तो हर जगह जाने की इतनी जल्दी रहती है, वेट ही नहीं करती बिल्कुल। आपको इतनी जल्दी क्यों होती है हर जगह जाने की? अंदर हवा आएगी। सफोकेशन हो रही थी ना, तो मम्मी यहाँ पे ना बहुत महंगे महंगे वाले परफ्यूम्स मिलते हैं, तो क्या आप मुझे दिलाओगे क्या? महंगे महंगे वाले परफ्यूम्स मिलते हैं। जाओगे मम्मी उधर? फोटो लेंगे। अच्छा, ये राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण जी, ये दिवाली का। एक प्लेट छोले भटूरे और एक पानी की बोतल। कम पड़ेगी नहीं? अब हम खाएंगे छोले भटूरे, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, हमें भूख लग जाती है तो इसलिए हम खा रहे छोले भटूरे। घर से खाना खा के आए हैं, मस्त अपना टाइम। फिर भी भूख लगती है बाहर जाके। क्या खा के आए हैं? मेरी फेवरेट पुलाव। धड़कनों में तेरे गीत है।
शॉपिंग करके ऐसे कार में जाने की। शॉपिंग हुई कहाँ है अभी? मेरी शॉपिंग वैसे तो मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगता है, गुलाब को गुलाब बेच रहा है वो। वैसे तो मुझे पता है आपको मेरे साथ जाके बाहर बहुत अच्छा लगता है, बट आप अपने मुंह से बोलोगे तो आपके शब्दों में मजा। अच्छा तो लग ही रहा है, अच्छे से बोलो। अच्छे से क्या? अच्छे से बोलो, तेरे साथ मुझे मजा आता है शॉपिंग करने। जल्दी बोलो, लाइट हो गई, पकड़ो। तो अभी हम मॉल, पूरा मॉल घूम के आ गए हैं शॉपिंग करके। शॉपिंग कुछ नहीं है, सिर्फ हम हंट करके आए। अब हम जाएंगे लोकल मार्केट में, वहाँ मिलेगा सब कुछ। तो मॉल में ऐसा कुछ नहीं है कि जो खरीद सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ खा सकते हैं। तो हमने मतलब ओवर ईटिंग हो गई है, घर से खा के गए थे और फिर जाके मॉल में भी खा लिया। अब मॉल आए तो कुछ करना ही है, तो क्या करना है, खाना ही खाना। बस चल चल के थक गए ऊपर नीचे, ये हुआ है मॉल में। बाकी जो मेन पर्पस था हमारा, मेन मोटिव था शॉपिंग का, वो होएगा अब लोकल मार्केट में। कोई नहीं, घूमना चाहिए अभी तो, घूमने से मतलब है। अरे रुक जा रुक जा रुक। अरे इस लड़की को अपना सामान लेना है यार, तो अब ये कहीं भी घूमेगी, पूरी दिल्ली घुमा देगी शॉपिंग के लिए। अच्छा लग रहा है मुझे। अरे लिखते रहने बात ही गोलगप्पे छोटे देना और मीठा भी डाल देना। सूजी का, ये आटे का है, सूजी का दे दो भैया। सिर्फ गोलगप्पे वाले के सामने लोग हाथ फैला खड़े होते हैं। यम कैसे प्लेट? यम यम। गाइस इतनी शॉपिंग तो हमने कर ली, अब फाइनली घर आ गए। ये शॉपिंग हम ट्रिप के लिए कर रहे हैं, जो मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ कि हम कहाँ जाएंगे। बैक होम फाइनली, थक गए बहुत ज़्यादा आज तो। सो गाइस आई फॉरगॉट टू डू द आउट्रो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।